नमस्ते दोस्तों। जी हाँ, मैं जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और अब चलते हैं आज के कोरोना रुग्ण की तरफ। जी हाँ, आज भी अच्छी खबर है कि उल्वे में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया। जी हाँ, लेकिन हम शुरू करेंगे आज पीछे से कि आज के अच्छे हुए रुग्ण कहाँ हैं। तो आज के अच्छे रुग्ण हैं जो हुए हैं वो हैं 10। जी हाँ, विचुंब में एक ज्ञानेश्वरी मावली हाउसिंग सोसाइटी में 59 वर्षीय व्यक्ति को एमजीएम रुग्णालय से जो है वो डिस्चार्ज मिल गया है। जी हाँ, उल्वे में एक रेडियंस स्प्लेंडर हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 5 में से 42 वर्षीय व्यक्ति को जो है वो डिस्चार्ज मिल गया है। उल्वे में त्रिमूर्ति रेसिडेंसी हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 21 में से 32 वर्षीय व्यक्ति को उप जिला रुग्णालय से डिस्चार्ज मिल चुका है। कोप्रोली में एक व्यक्ति 36 वर्षीय व्यक्ति ईएसआई हॉस्पिटल रुग्णालय कांदिवली से डिस्चार्ज मिल चुका है। पाली देवत सुकापुर एक निशेश्वर कुंज से 41 वर्षीय व्यक्ति को एमजीएम रुग्णालय से डिस्चार्ज मिल चुका है। कारंजड़े में भी एक व्यक्ति जो है वो शिव अपार्टमेंट में से 37 ईयर्स व्यक्ति को एमजीएम हॉस्पिटल रुग्णालय से डिस्चार्ज मिल चुका है। विचुंबे में पांडुरंग निवास में से 48 ईयर्स की व्यक्ति को जी हाँ डिस्चार्ज इंडिया बुल से मिल चुका है। और पालीदेवत सुकापुर में भी श्री राम समर्थ हाउसिंग सोसाइटी में से 30 वर्षीय 27 वर्षीय और 1.5 वर्षीय ऐसे 3 व्यक्ति को इंडिया बुल्स रुग्णालय से भी आज डिस्चार्ज मिल चुका है। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि आज के रुग्णों की संख्या क्या रही। तो आज के नए रुग्ण जो मिले हैं वो 8 हैं। जी हाँ, कल की तरह आज भी 8 हैं। पालीदेवत सुकापुर में वर्ग विद्या सोसाइटी में से 33 वर्षीय व्यक्ति को कोविड पॉजिटिव आया है। ये व्यक्ति जो था वो बीपीसीएल में मुंबई में काम करता था, इसको काम की जगह से ही संसर्ग हुआ ऐसा प्राथमिक निष्कर्ष है। चिपड़े में 39 वर्षीय 35 वर्षीय ऐसे 2 व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं। और दोनों व्यक्ति में से एक व्यक्ति जो है बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई में जो था वो प्रसूति जो डिपार्टमेंट एडमिट होती है उसके ठिकाने दोनों व्यक्ति संसर्ग हुआ है, इनको संसर्ग हुआ है ऐसा मालूम पड़ा है। आस्टे में एक ये 27 वर्षीय व्यक्ति को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। जी हाँ, कारंजड़े में एक टुडे एवेन्यू प्लॉट 23 सेक्टर 1 में से 22 वर्षीय व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आया है। जी हाँ, इसकी ट्रेसिंग हो रही है, ट्रेसिंग अभी तक मालूम नहीं पड़ा है कि इस व्यक्ति को कैसे संसर्ग हुआ है। चिपड़े में एक में से जो है 30 वर्षीय व्यक्ति को कोविड-19 पॉजिटिव आज आया है, इसका भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की इंक्वायरी हो रही है। और कारंजड़े में शिव अपार्टमेंट में 36 वर्षीय व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आया है, इसकी भी कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेसिंग हो रही है। विचुंबे में एक पांडुरंग निवास में से 48 वर्षीय व्यक्ति भी कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है, इस व्यक्ति की भी ट्रेसिंग की जो है वो इंक्वायरी हो रही है। तो उसके ऊपर हम चलते हैं और देखते हैं आज तक कोविड-19 की चाचड़ी जो हुई है वो 363। जी हाँ, तहसीलदार ऑफिस की तरफ से जो है वो मैं बता रहा हूं। और आज तक जो पूरी तरह से अच्छे हुए वो 74 है। विद्वान एकूण रुग्ण जो है वो 63 है। और कोविड-19 से मृत्यु जिनकी हो गई है वो 5 है। आज रेट बढ़ गया, कल तक 3 चल रहा था, आज 5 हो गया है। आज तक जो मृत्यु हुई है, आज तक जो टोटल पॉजिटिव आए हैं वो 142 है और जिनका तपासनी निकाल बाकी है वो 57 है। तो दोस्तों, आज थोड़ी सी दुखद की बात है कि इस तहसील कार्यालय के एरिया में जहां तक 3 मृत्यु चल रही थी, आज 5 मृत्यु हो चुकी है। तो इसके साथ ही आज के समाचार समाप्त हुए। हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और यदि आपको पत्रकारिता चाहिए, चाटुकारिता नहीं चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का लाल बटन दबाइए और घंटी का बेल ऑन कीजिए।